नमस्कार दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A20s में एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है ये काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और भी डिवाइस के अंदर, बट A20s में ये अपडेट दे दिया गया है। तो आज मैं दोस्तों आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आपको इस अपडेट में देखने को मिलती हैं और जो कि हमें बाकी और डिवाइस में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों सबको बताऊँ इस वीडियो से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सैमसंग गैलेक्सी A20s में ये अपडेट आ चुका है। दोस्तों इस अपडेट की साइज़ की बात करें तो ये है दोस्तों 363 MB का। दोस्तों इसमें आपको क्या मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब सिक्योरिटी पिच लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है तो वो 100 से 150 MB में हो जाता है, बट जब 360 MB से ऊपर का अपडेट है तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि हमारे फ़ोन में काफ़ी बग्स हैं A20s में, वो दोस्तों सारे फिक्स कर दिए गए हैं अब तक के, और आपका सिक्योरिटी पिच लेवल कर दिया गया दोस्तों 1 अगस्त का। अब दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि इसके बाद दोस्तों फ़ोन आया था सैमसंग गैलेक्सी F41, उसमें भी दोस्तों अभी तक सिर्फ 1 जून का सिक्योरिटी पिच लेवल है, वो भी दोस्तों इंक्रीज नहीं किया गया है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी जो A सीरीज होती है उसमें दोस्तों हमें काफ़ी जल्दी जल्दी अपडेट देखने को मिलते हैं। दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A20s, A50 और दोस्तों S20 A50 तीनों फ़ोन हैं, और तीनों में ही दोस्तों मुझे 1 अगस्त का सिक्योरिटी पिच लेवल देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों F41 की बात करूं तो उसमें मुझे अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी की जो दोस्तों A सीरीज होती है वो काफ़ी पॉपुलर होती है और सैमसंग इसमें जल्दी जल्दी अपडेट देता है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है, अगर आपके पास A20s है तो दोस्तों आप ज़रूर से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि आपका फ़ोन पहले ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी पिच लेवल है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए जाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।